रंग बिरंगे इन जूट के थैलों ने इन्हें बनाने वाली महिलाओं के जीवन में भी रंग भर दिए हैं। मुंगेर जिले में जानकी नगर गैरा पहाड़ और मिल्की चक पाटम गांवों की 35 महिलाओं ने नाबार्ड द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण से जूट बैग बनाना सीखा और स्वयं सहायता समूह बनाकर इसका उत्पादन शुरू किया। महिलाओं के साथ काम करने में इन लोग को मैं चाहती हूं कि और आगे से आगे इनको बहुत दूर तक ले जाएं और इन 500 महिलाओं को रोजगार से जोड़ करके मैं बहुत दूर तक आगे पहुंचाएं कि इन महिलाओं कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं। काम आसान नहीं था, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत थी, कच्चे माल का प्रबंध करना था और सबसे बड़ी बात कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी थी। इस काम में नाबार्ड ने इनकी मदद की। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक संजीव कुमार कहते हैं कि इन महिलाओं को बैग निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया और बाद में इन्हें यूको बैंक से ऋण दिलवाया गया। इससे 16 सिलाई मशीनें खरीदी गईं और अब ये महिलाएं अपने घरों में ही जूट बैग की सिलाई का काम कर रही हैं। नाबार्ड ने ही बैग के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जूट रोल को कोलकाता से मंगवाने और तैयार माल को बाजार में बेचने की व्यवस्था की है। नाबार्ड ने इन महिलाओं को 25,000 रुपए का ऑर्डर भी दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो भी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने एक बार बैंक से लोन लिया है, उनको स्थायी आजीविका का स्रोत मुहैया कराने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षणोपरांत बैंक से लोन दिलाकर उन्हें रोजगार के प्रति अग्रसर किया जाए। ये महिलाएं जूट बैग, वाटर बॉटल कवर, फाइल फोल्डर, शेविंग किट और बैग जैसी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें बना रही हैं। इन महिलाओं के परिवारों में पहले 2 जून की रोटी का प्रबंध मुश्किल से हो पाता था, अब आमदनी इतनी हो जाती है कि बैंक के ऋण की किस्तें चुकाने के बाद भी ये अपना परिवार चला रही हैं और बच्चे भी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। जूट निर्माण बैग में जुटने से मैं अपने से 2 रुपया कमा सकती हूँ, अपने से सब चीज ले सकती हूँ, बच्चे को पढ़ा सकती हूँ। मुंगेर जिले के 3 गांवों की इन महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की ललक और इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। मुंगेर से कृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।